डालेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन सब की वीडियोग्राफी भी की जा रही है। जो जो लोग यहाँ पे नाजायज खड़े हैं, मसला बना रहे हैं, उनकी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वीडियोग्राफी भी हो रही है। तो आप सबको वार्निंग है, आप चले जाए और सरकार को अपना काम करने दें। दिखाए ना वो तहसीलदार शकीब मलिक, नायब तहसीलदार खनेतर। एक महीना पहले हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी कि एक बंदा जो है बरकत हुसैन, उसने एक पोल जो है वो एम्बेडेड कर लिया अपनी बिल्डिंग में और साथ में एक छज्जा जो है वो भी बाहर निकाल लिया, जिससे लोगों को आने जाने में, सामान लेके जाने में परेशानी हो रही थी। तो हमने इस बंदे को नोटिस इशू किए और हम उसके बाद तहसीलदार साहब दो तीन बार स्पॉट पर आए, हम भी आए और हमने इनको बोला कि आप एमिकेबली जो है अपना मसला रिजॉल्व कर लें, लेकिन इन्होंने रिजॉल्व नहीं किया और ना ही ये किसी बात में आ रहे थे। और जो ये स्ट्रक्चर बना है, इसका ना तो कोई नक्शा पास है, ना चेंज ऑफ लैंड यूज़ है और ना ही कोई टाइटल है। तो जब हमने इस चीज़ को वेरीफाई किया, उसके बाद हमने इनको बोला कि आप जो है अपनी मर्ज़ी से थोड़ा थोड़ा काट दें ताकि आने जाने वाले लोगों को परेशानी ना हो, और जो इलेक्ट्रिक पोल है साथ में मस्जिद है, मदरसा है, उसको भी खतरा है। हमने इनको बोला कि वो भी आप फ्री कर दें, तो इन्होंने नहीं किया, इन्होंने कानून की कोई परवाह नहीं की, जिसकी वजह से आज हमें जो है पुलिस लेके स्पॉट पे आना पड़ा। और आते ही इन्होंने हम पर सबसे पहले हमला किया, इन्होंने सरिया निकाला, ईंटें निकाली मारने के लिए, यहाँ तक कि जेसीबी को भी तोड़ा। और उसके बाद हमने इनको जो है अरेस्ट करके तो ये कार्रवाई आज अमल में लाई। उनके लिए मैसेजेज है, जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, उनके लिए ये एक मैसेज है कि वो बाज आ जाएँ, नहीं तो आने वाले दिनों में उनके खिलाफ़ भी ऐसी ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।